First of all, we shall discuss a short history of labor laws. We all are aware about the 1st of May. Sare log usko as a holiday celebrate karte hain. But can somebody tell what's the history behind it? Ki kyun celebrate kiya jata hai 1st May ko, kya hua tha? Can anybody share with me? Very simple question. 1st May aane wali hai. Hum chutti bhi karenge, enjoy bhi karenge, ghar mein bhi honge. Kuch hamare jaise dost the jinhone long hours unki game ke liye strike ki thi. Ek protest hai. It was a protest. Usne kafi logon ki qurbani di thi. Uski unki yaad hai. Uske baad unki efforts thi ki aaj hum jo data house mein You are talking about one outcome. Overall, there are more than one outcomes of this protest. Anyway, let's see how do the people celebrate this Labor Day. Chicago ke jaan nisaron ko surakh salam. So this event took place in Chicago, USA. तो उसमें फिर बहुत सारी चीजें जो थी वो अमर्ज होके सामने आई थी पाकिस्तान में ये सेलिब्रेट किया जा रहा है एक मई को लोग सड़कों पर निकलते हैं प्रोटेस्ट करते हैं देखते हैं क्या हुआ था खवातीन किसी से पीछे नहीं है प्रोटेस्ट करने में वो भी कहा दे आर पार्ट ऑफ इट जी मेड ए द रियल टाइम स्टोरी 2.5 लाख के करीब लोगों का मजमा था शिकागो में 250,000 और ये को अचानक नहीं इकट्ठे हो गए थे बस नॉट सडनली दे गैदर्ड एट अ पॉइंट इसके लिए लंबी प्लानिंग की गई थी बहुत सारे और जाहिर है ओपोनेंट आर एम्प्लॉयर्स फैक्ट्री ओनर्स उन्होंने भी अपनी तैयारी मुकम्मल की हुई थी कि हमने इनको संभालना है काबू करना है उन्होंने चंदा भी डाला हुआ था और सारे के सारे काम इकट्ठे किए गए फर्स्ट मई 1884 शिकागो यूएसए व्हाट हैपेंड जिस वक्त वहां पे लोग इकट्ठे हो रहे थे और बम ब्लास्ट ऑफ प्लेस काफी सारे लोग उसमें मर गए इसके अलावा जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया जो लोग इस प्रोटेस्ट के लिए जिम्मेदार ठहराए गए थे उनको जेल भेज दिया गया किसी ने खुदकुशी कर ली किसी को पनिशमेंट हो गई तो इट वॉज अ बिग डिजास्टर बट देर आर सर्टन आउटकम्स इसका जो लोगों को फायदा हुआ लोगों के इकट्ठे होने का सबसे बड़ा ये था कि कोई वर्किंग आवर्स नहीं थे सुबह आने का टाइम फर्ज कर लें 7 बजे है इट इज 7 o'clock इट इज 8 o'clock व्हाट एवर द टाइम इज देयर लेकिन जाने का तो कोई टाइम नहीं था पीपल यूज टू वर्क फॉर 12 आवर 14 आवर 16 आवर दिस डिपेंड्स अपॉन द स्वीट विल ऑफ द ओनर ऑन अ कॉन्ट्रैक्टर कि हमने कितने बजे तक लोगों से काम लेना है एंड देयर वाज नो एक्स्ट्रा पेमेंट बल्कि जब दिन का ही डिटर्मिनेशन नहीं था कि कितने घंटे के लिए वर्किंग डे होगा तो फिर तो ओवर टाइम का तो कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं था तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला इसका आउटकम था वो ये था ये डिसाइड किया गया 8 घंटे काम करने का मतलब 1 डे वर्क तो ये उस गैदरिंग का एक बार बिग आउटकम और 8 घंटे से ज्यादा अल्टीमेटली जो भी काम होगा उसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट की जाएगी तो सेकंड आउटकम हफ्ते में 6 दिन काम होगा पहले हफ्ते में 7 दिन नॉन स्टॉप 30 डेज अ मंथ काम होता उस वक्त ये डिसाइड हुआ हफ्ते में 1 दिन रेस्ट किया जाए भी संडे में भी मंडे ट्यूसडे डिपेंड्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो भी रिक्वायरमेंट है जो भी नेचर है बट ये डिसाइड हो गया था कि हम हफ्ते में 48 आवर्स काम करेंगे और 8 घंटे का मतलब 1 दिन के लिए वर्किंग होगा और जो हम संडे को ऑफ करेंगे इट शैल बी पेड ये ऐसा नहीं होगा कि आप संडे को घर बैठे हुए हैं या आपकी मंडे को छुट्टी है यू आर ऑफ एट होम एंड यू आर नॉट बीइंग पेड फॉर दैट ऑफ डे यू आर प्रॉपरली पेड दीज आर द 3 आउटकम्स तो ये फर्स्ट में थोड़ा सा जो लेबर के हवाले से वर्कर्स के हवाले से काम किया जाता है याद किया जाता है कोई ये व्हाट इज इंडस्ट्रियल रिलेशन मैनेजमेंट तो दिस इज बेसिकली एचआर बिजनेस इंडस्ट्रियल रिलेशन इज एचआर बिजनेस जिस पर आप एचआर की कोई भी इंटरनेशनल लेवल की किताब पकड़ते हैं तो उसमें आपको एक चैप्टर लेबर लॉ का या इंडस्ट्रियल रिलेशन का भी मिलता है टॉप पे हेड एचआर बैठा हुआ है आप उसको हेड एडमिन कह लें हेड एचआर कह लें डोमेन उसी की है इफ देयर द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज बिग तो मे बी आईआर मैनेजर इट्स सेपरेट बट रिपोर्टिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन या एचआर पे होगा बाद का इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज स्मॉल साइज तो एडमिनिस्ट्रेशन वाला ही एचआर को देखता होगा इफ द ऑर्गेनाइजेशन मोर स्मॉल साइज
तो फिर एडमिरल भी उसी के पास है, एचआर भी उसी के पास है, और आईआर भी उसी के पास है। तो ये बेसिकली दिस इज पार्ट ऑफ एचआर। बट एज फार एज लेबर लॉज आर कंसर्न, आई एम ऑफ द ओपिनियन एवरी मैनेजर शुड हैव एप्रोप्रिएट नॉलेज ऑफ लेबर लॉज। छोटे इदारों में यूनियंस भी होती हैं, बात कर यूनियन नहीं भी होती, देर आर सर्टन प्रेशर ग्रुप्स। आप प्रोडक्शन हेड है, इस वक्त दो चार लोग आपके सामने आके बैठ जाएंगे और लेबर लॉ की बात करेंगे, एंड अनफॉर्चुनेटली इफ यू आर नॉट वेल ट्रेन्ड, इफ यू आर नॉट वेल इक्विप्ड, तो आप थोड़ा सा फील करेंगे कि मैं अंडर प्रेशर हो गया। तो इसलिए लेबर लॉ का पता होना सब लोगों को, ये सिर्फ एडमिन और आईएएस का ही नहीं होता, सब लोगों को जो है उसका पता होना चाहिए। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच ह्यूमन बीइंग एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इंटरैक्ट एट वर्क प्लेस। Then industrialization system is interrelation among persons, organization and standards. And when we talk about standards, this means this is the law, this is made by the legislative assembly. And the one thing must be kept in your mind, whenever we talk about law, whatever the standard it provides, the law always provides minimum standards. हमेशा याद रखिएगा कि लॉ जो भी बात करता है वो मिनिमम स्टैंडर्ड की बात करता है कि कम से कम तो आपने ये करना है। सारे का सारा लॉ इसी फॉर्मूले पर चलता है कि कम से कम आप ये कीजिए, इससे ज्यादा करना चाहेंगे तो किसी को कोई एतराज नहीं। देयर आर थ्री एंड आई थिंक देयर आर फोर प्लेयर्स इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, फोर प्लेयर्स। वन इज एम्प्लॉयर, सेठ है, मालिक है, कंपनी है जिसने इन्वेस्टमेंट की हुई है, ऑर्गेनाइजेशन लगाई हुई है, सब एक प्लेयर। Then there are employees, employer and employees, second player. The third one is government, who regulates, who supervises the organization. And the next one is, that is ILO, International Labour Organization. Let's see what are the targets, what are the collective goals of all the four players. First of all, we talk about organizational goal. First goal is enhance productivity and profitability. मेरा ख्याल है जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनती है उसमें प्रॉफिट कमाने के लिए बनती है। जब ऑर्गेनाइजेशन को ये पता होगा कि हम प्रॉफिट नहीं कमा रहे, हमने लॉस में जाना है, या तो वो ऑर्गेनाइजेशन पैदा ही नहीं होगी या पैदा होने के फौरन बाद बहुत हो जाएगी। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज एनहांस प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। कैन समबडी टेल व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी? क्या फर्क होता है दोनों के दरमियान? डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, बड़ी सिंपल सी बात है। प्लीज शेयर योर इंफॉर्मेशन, योर नॉलेज विद मी। वेरी कॉमन, कल क्या बनाया? 100 यूनिट, दैट इज प्रोडक्शन। बना क्या सकते हैं? अगर हमें ऑर्डर मिल जाता है 500 यूनिट का, तो क्या हमारे पास ये प्रोडक्शन करने की सलाहियत है, ये प्रोडक्टिविटी है? तो ऑर्गेनाइजेशन के पास जो टारगेट होता है, that is always enhancement of productivity. कि कल को अगर हमें कभी भी कोई बड़ा ऑर्डर मिल जाए, हम उसको कितना क्विकली उसको कैटर कर सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी यूसी गोल। देन इंक्रीज मार्केट शेयर, कोक और पेप्सी का मार्केट शेयर मार्केट में कितना है, बाटा और सर्विस का कितना है? इट इज कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन। हर कंपनी कोशिश कर रही होती है कि हमारी प्रोडक्ट ज्यादा हो, हमारी सेल ज्यादा हो, हमारा मार्केट शेयर ज्यादा हो। फोकस ये कॉर्पोरेट लेवल पर डिस्कस किए जाते हैं। Then customer satisfaction and repeat business. कब customer satisfied होता है? I need one sentence answer. When your customer is satisfied. कब समझते हैं कि हमारा जो customer है वो satisfied? जब उसकी needs पूरी हो रही हैं. Needs पूरी हो रही हैं. You're not receiving any complaint. In if you are not getting any complaint, your customer is happy and satisfied. Okay. What else? Service is better. जब कस्टमर दोबारा आपके पास आता है, इसका मतलब है देखो बाकी चीजों के साथ साथ वो हैप्पी कस्टमर भी है, सेटिस्फाइड कस्टमर भी है, एंड दिस इज अगेन टारगेट ऑफ द कंपनी, टारगेट ऑफ द बिजनेस। सेटिस्फेक्शन ऑफ स्टेक होल्डर्स, ऑल दोज पीपल, ऑर्गेनाइजेशंस, बॉडीज
who are attached or who are interested in your business. They are your stakeholders. Whenever you talk about internal stakeholder, the internal stakeholder कौन होते हैं? तो वो तीन चार ही होंगे. एक आपका employer है, एक आपके employees हैं, unions हैं, workers हैं, यही आपके internal stakeholder हैं. And when we talk about external stakeholders, इसका मतलब ये है कि आपकी जो government external stakeholder है, आपकी जो bodies आपको regulate कर रही होती हैं, आपके vendors हैं, आपके suppliers हैं, आपके customers हैं, जितने भी लोग आपके साथ किसी न किसी angle से आपके साथ attach हैं, they are your external stakeholder. और organization needs the satisfaction of all stakeholders. Then operational efficiencies. आमिर साहब थोड़ी सी इसमें रोशनी डाल सकते हैं, ऑपरेशन के बंदे हैं. ऑपरेशनल एफिशिएंसीज इट मीन व्हाट आई थिंक ब्रेक डाउन टाइम शुड बी मिनिमम. आपकी मेंटेनेंस एक्सीलेंट होनी चाहिए, मशीनों की जो आउटपुट है वो बेहतर होनी चाहिए. व्हाट वुड यू लाइक टू ऐड? बेसिकली कितनी इनपुट लगा के क्या आउटपुट निकाली है, दिस इज योर एफिशिएंसी. और यही चीज आपकी जब आप ऑपरेट कर रहे हैं प्लांट को, किसी फैक्ट्री को, तो क्या रिसोर्सेज लगा रहे हैं और उन रिसोर्सेज से कितनी आउटपुट ले रहे हैं. तो वो आपकी एफिशिएंसी है. यू मीन यू आर अप्लाइंग मिनिमम रिसोर्सेज एंड गेटिंग मैक्सिमम. दीज आर ऑपरेशनल एफिशिएंसीज. देन डेवलप एबिलिटी टू रिस्पोंड द मार्केट अपॉर्चुनिटीज. सारे लोगों के पास लैंड भी होती है, लेबर भी होती है, कैपिटल भी होता है, ऑर्गेनाइजेशन भी होती है. व्हाट्स द डिफरेंस आपकी ऑर्गेनाइजेशन बाकी ऑर्गेनाइजेशन से क्यों अच्छी है? नंबर एक, कैसे अच्छी हो सकती है? क्या रीजन हो सकती है कि आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्ट आपकी सेम है, आप एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप गार्मेंट्स बना रहे हैं, आप यार्न बना रहे हैं, आप कॉटन को प्रोसेस करते हैं, आप इंटीग्रेटेड यूनिट लगाया हुआ है, व्हाटएवर जो भी आप कर रहे हैं, ये काम तो आपका कंपेटिटर भी कर रहा है. आप कैसे अच्छे हैं, आप उनसे कैसे बेहतर हैं? ये आपके सिर्फ ह्यूमन रिसोर्सेस, ये सिर्फ आपके ट्रेंड लोग हैं. ये ट्रेंड लोग वो होते हैं जो आपको ओवर टाइम लगा के भी, ज्यादा से ज्यादा इनपुट दे के भी आपके टारगेट को बड़े मिनिमम पीरियड में, मिनिमम टाइम में पूरा करने की कोशिश करते हैं. मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम नहीं लेना चाहूंगा, जब उनके पास बिजनेस होता है तो लोगों को बड़ा वैल्यू करते हैं, बड़ी कदर करते हैं, बड़ा उनको ग्रीप रखते हैं, सैलरीज भी अच्छी देते हैं, बोनसेस भी देते हैं, दे आर वेलकम, और जो ही प्रोजेक्ट खत्म हो गया ओके गो. और जब तक नया प्रोजेक्ट नहीं मिलता लोग बेचारे मददगार होते हैं, किसी को कहीं जॉब मिल जाती है फिर वो वापस नहीं आता. That's why respond to market opportunities. आपके पास कितने skilled लोग available हैं और वो कैसे market को respond कर सकते हैं. Effective and efficient use of resources. Again, use of resources की बात आ जाती है. Effective use से क्या मतलब? What is effective and what is efficient? ये बात हम थोड़ी देर पहले कर भी चुके हैं. कुछ बताइए. Effectiveness means के काम को बेहतर तरीके से आप achieve करें. जो आपका कस्टमर चाहता है कि आप वो ही कर रहे हैं. रोल्स रॉयस में और करोला में क्या फर्क है? प्राइस के अलावा, ब्रांड के अलावा तो है ही है, कुछ और डिफरेंस भी है. That is customization. आप करोला लेने जाएंगे, जो बनी है वही आपको मिलेगी, पैसे दे रहे हैं ले जाएं. जब आप रोल्स रॉयस खरीदते हैं तो आपसे पूछते भी हैं कि जो आप गाड़ी लेना चाहते हैं उसमें तो कोशिश किस कलर की होनी चाहिए, उसमें जो एशट्रे है वो कहाँ पे लगवानी है, वो जो अम्ब्रेला है उसके रखने के लिए जगह कहाँ पे होनी चाहिए. ये सारी की सारी चीजें कस्टमाइजेशन में आ जाती हैं. दिस इज यू सी इफेक्टिवनेस, कि आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट को कितना अंडरस्टैंड करते हैं और कितना मीट करने की कोशिश करते हैं. This is again organizational, you see, target goals. Cost of production may be reduced. Waste reduction definitely minimum होनी चाहिए. Competitive advantage की बात हो गई कि आपके जो लोग हैं, आपकी मशीन, अगर आज आप मैनुअल पे हैं कल आप ऑटोमेशन पे आ जाएंगे, आपका कंपेटिटर भी लेके आ जाएगा. लेकिन लोगों को ट्रेन होना, एफिशिएंट होना, और खास तौर पे आज का दौर जो है वो फीमेल एम्पावरमेंट के हवाले से बहुत ज्यादा है, तो फीमेल वर्कर्स के साथ इंटरलूप में तो आपके माशाल्लाह काफी सारे एक्सपीरियंस हुए भी होंगे कि वो बहुत सारी चीजों में एफिशिएंट होती हैं. आपसे भी इसे जब केस स्टडी करेंगे तो आपसे मशवरा भी करेंगे कि इंटरलूप में क्या था. पार्टिसिपेशन एंड मोटिवेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज.
سب سے زیادہ جو مشکل کام ہے ایچ آر کے لیے یا آرگنائزیشن کے لیے وہ کسی نہ کسی چینج کو کنسیو کرنا اور اس کو امپلیمنٹ کرنا. سب سے زیادہ مشکل کام جو ہوتا ہے وہ چینج کو لانا ہے. تو پارٹیسپیشن اینڈ موٹیویشن, اگر آپ کا کمیونیکیشن چینل ٹھیک ہے, لوگ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ مینجمنٹ جو کہہ رہی ہے وہ سچ ہے, وہ حقیقت کے قریب ہے, اس کا مطلب یہ ہے جب ٹرسٹ بلڈنگ ہوگی تو پھر آپ کی جو ریزسٹنس ٹو چینج ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی, لوگ موٹیویٹڈ بھی ہوں گے اور لوگوں پر ٹرسٹ بھی ہوگا. دین دا لاسٹ ون از انڈسٹری ریپوٹیشن. جس طرح معاشرے میں انسانوں کی عزت ہوتی ہے, میری ہے, آپ کی ہے, سب لوگ کو انڈرسٹینڈنگ ہے, اسی طرح آرگنائزیشن کی بھی ہوتی ہے. اگر میں آپ سے آج پوچھوں کہ آپ کے خیال میں وٹ از یور ڈریم جاب, کون سی ایسی کمپنی ہے جہاں پہ آپ کی خواہش ہے کہ یار وہاں پہ جاب ملے تو میں ضرور کروں. دیئر شوڈ بی ون ٹو تھری آرگنائزیشن کے یار دے آر ایکسلنٹ آرگنائزیشن. اور کچھ ایسی بھی ہوں گی آپ کی خواہش ہوگی کہ یار میں اس کے آگے سے بھی نہ ہی ملوں گا. تو دس از ریپوٹیشن آف آرگنائزیشن. وہ کیوں اچھی ہیں اس کا جواب آپ کے پاس ہے, اور جو اچھی نہیں ہے اس کا آنسر بھی آپ کے پاس ہے. میں نہیں چاہتا کہ میری آرگنائزیشن کا نام جو ہے وہ کورٹ میں پکارا جائے ایکس وائی زیڈ ورسز فلاں, کہ جی فلاں بندے نے کیس کر دیا ہے, آپ نے ان کے واجبات پے نہیں کیے تھے, آئیں ذرا بتائیں کیوں نہیں پے کیے. اور جس وقت آپ کے کلیم اسٹیبلش ہو جائے اور پھر آپ کو 11 ٹائم ملٹی پلائی کر کے دینا پڑے, 11 گنا بھی دینا پڑے, فائن بھی دینا پڑے, سوری بھی کرنے پڑے ان کے ساتھ جا کے, تو دس از انسلٹ آف آرگنائزیشن. کوئی آرگنائزیشن نہیں چاہتی کہ اس کے خلاف کسی کورٹ میں کوئی نہ کوئی کیس ہو. تو یہ بھی آرگنائزیشن کے ٹارگیٹس میں ہوتا ہے کہ جو اس کی انڈسٹری ریپوٹیشن, یہ مسٹ بی مینٹین. تو یہ سارے کے سارے جو آبجیکٹو تھے یہ آرگنائزیشن کے تھے, کہ وٹ ڈز یور آرگنائزیشن وانٹ. کم و بیش ایسے ہی ہوتے ہیں, کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں, بٹ میں نے ایک جنرل سی بات کی تھی. ناؤ کم ٹو دا ورکرز, یہ ہمارا سیکنڈ پلیئر. اس کے آبجیکٹو کیا ہو سکتے ہیں؟ ہمارا ورکر, ہمارے امپلائیز یہ چاہتے ہیں جاب سیکورٹی. کل جس وقت وہ گیٹ میں آئے انہیں یہ نہ کہا جائے سوری جینٹل مین تھینک یو ویری مچ, آج ہمیں آپ کی ضرورت نہیں. یا کہ کانٹریکٹ والا آج ہے تو اسے کہا جائے آپ کا کانٹریکٹ تو کل ہی ختم ہو گیا تھا اور مینجمنٹ نے ڈیسیژن لیا ہے کہ ہم نے اس کو رینیو نہیں کرنا, پلیز گو ہوم. سوری, یہ کسی ورکر کی خواہش نہیں ہوتی. تو ورکر کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ان کو جاب کا تحفظ دیا جائے, دیئر مسٹ بی جاب سیکورٹی, اینڈ دین آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی. آرگنائزیشن میں کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے پاس عامر صاحب جو ہے وہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے ایکسپرٹ ہیں, انہوں نے نبوش کیا ہوا ہے, ہمیں بہت زیادہ گائڈ بھی کرتے ہیں, بتاتے بھی ہیں. تو پہلی بات, دیئر شوڈ بی نو ایکسیڈنٹ کسی بھی کیپیسٹی میں, نہ چھوٹا نہ بڑا, کوئی لاسٹ ٹائم انجری نہیں ہونی چاہیے, کوئی ٹائم ضائع نہیں ہونا چاہیے. اگر خدا خاصتا ہو گیا ہے تو ایز ارلی ایز پاسبل, ایز کوئکلی ایز پاسبل اس کی کوئی ریمیڈی ہونی چاہیے. فیکٹری کے اندر ہاسپٹل بنا لیں, فیکٹری کے اندر کوئی چھوٹی سی ڈسپینسری بنا لیں, یا اگر آپ کے فیکٹری کے پاس کوئی ہاسپٹل ہے وہاں تک لے جانے کے لیے آپ کے پاس ایمبولینس ہونی چاہیے, ڈرائیور ہونا چاہیے, تاکہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کسی بڑے نقصان سے بچ سکیں. اور ہیومن لائف کا چلے جانا اٹس اے بگ بگ لاس, نو ون وانٹس. تو ورکرز بھی یہی چاہتے ہیں, امپلائیز بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہماری صحت بھی ٹھیک رہے اور ہمارا کام بھی ٹھیک چلتا رہے. دین فیئر ریمونریشن اگینسٹ پرفارمنس. منیمم ویج کی بات کر لیتے ہیں. یہاں پہ آج کل 15,000 ہے. بہت سارے ایشوز ہیں لیکن ہم ایک ہی کو پکڑ لیتے ہیں. کتنے ادارے ہیں جو 15,000 پے کر رہے ہوں گے؟ ویری فیو. اور شاید لاہور میں یا شاید گجرا والا میں, لاہور میں شاید تھوڑے زیادہ ہو, گجرا والا میں تھوڑے سے کم ہو, لیکن میجورٹی نہیں پے کر رہے. لاہور کتنا بڑا شہر ہے اور یہ جو ہماری قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ ہے کوٹ لکھپت والی, وہاں پہ ابھی 12,000 آتے ہیں. تو ہر ورکر کی خواہش ہوتی ہے تو اس کو اپروپریٹ فیئر ریمونریشن دیا جائے اور اپروپریٹ انکریز ان سیلری اینڈ ویجز. پھر وہی بات, منیمم اسٹینڈرڈ. پہلے سیلری 14,000 تھی, 14 سے 15 ہوئی, بجٹ آنے والا ہے تھوڑی سی اور بڑھ جائے گی. تو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں ہمیں اپروپریٹ جو ہے وہ انکریز بھی دیا جائے. ریگولرائزیشن آف کانٹریکٹ اینڈ ڈیلی ویج ورکر. لیبر کوڈ کا والیوم 1 اتنا ہے اور 2 بھی اتنا ہی ہے. اگر آپ پی شفیع کی کتاب کو ڈسکس کرتے ہیں, مجھے تو کہیں ڈیلی ویجر کا لفظ نظر نہیں آیا, آج تک نظر نہیں آیا. اگر آپ کاؤنٹ کرنا شروع کریں تو شاید ملینز میں یہ کلاس پائی جاتی ہے ڈیلی ویجر, لیکن لا میں
कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का शायद अब थोड़ा सा जिक्र कहीं कहीं आपको मिलेगा, इससे पहले वो भी नहीं। इसका मतलब ये है कि लॉ उनको रिकग्नाइज ही नहीं करता कि मुआशरे में या इंडस्ट्री में ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो डेली वेजर हैं या जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं या जो ऐसे लोग हैं जिनके बारे में एम्प्लॉयमेंट उनकी आज है और कल नहीं है। उनकी कोशिश ये होती है वर्कर्स की कि हमें डेली वेजर ना रखा जाए, परमानेंट जॉब दिया जाए, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट पे हैं तो भी हमें परमानेंट जॉब दिया जाए। डेली हम सारा दिन यही कर रहे होते हैं, यही देख रहे होते हैं। लर्निंग एनवायरमेंट, क्या आप में से कभी किसी ने एग्जिट इंटरव्यू कंडक्ट किया? आपने यकीनन किया होगा। तो व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम, लोग क्यों जॉब छोड़ के जाते हैं? सबसे बड़ी रीजन उसका सुपरवाइजर होता है। अगर कोई आदमी किसी जॉब पे टिका हुआ है द मेजर रीजन इज हिज बॉस, हिज सुपरवाइजर। और अगर वो स्विच कर रहा है द अगेन बिग रीजन इज बॉस और सुपरवाइजर। व्हाट नेक्स्ट? सैलरी डिस्पैरिटी, ये भी हो सकती है। लर्निंग एनवायरमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनाइजेशन के साथ जिस वक्त आप अटैच होते हैं तो आप अर्निंग भी कर रहे होते हैं और लर्निंग भी कर रहे होते हैं। अगर आप फील कर रहे हैं कि जी मैं चार साल से एक ही काम कर रहा हूँ, मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में बुक कीपर हूँ और बस वही एंट्रीज डेली कर रहा हूँ तो जुबानी याद हो गई है, या मैं डाटा एंट्री ही कर रहा हूँ, पाँच साल में मैंने कुछ नहीं जो सीखना था पहले तीन महीने में सीख लिया था, और नाउ आई एम बीटिंग द सेम बुश, तीन महीने जो सीख लिया अब पाँच साल हो गए हैं वही रिपीट कर रहा हूँ, तो मेरी तो लर्निंग नहीं हो रही, तो मेरा आगे जो कैरियर पाथ है, कैरियर ग्रोथ पाथ है, वो तो स्टॉप हो गया। लर्निंग का क्या, यूं जानेंगे वो तो यूं सो रही है बेचारी, तो मैं क्या करूँगा, मुझे कहीं अच्छी जॉब की ऑफर आएगी तो चला जाऊँगा। तो बेहतर है कि ऑर्गेनाइजेशन में लर्निंग एनवायरमेंट को ग्रोथ दिया जाए, और वर्कर्स की ख्वाहिश होती है, हम लोग भी वर्कर ही थे, अब भी हैं, कहीं ना कहीं काम कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, पढ़ा रहे होंगे, सीख रहे होंगे, हमारी भी यही डिजायर है कि ये स्किल मेरे पास नहीं है, अब आनी चाहिए। अब अगर स्किल आ गई है तो मैं फील करता हूँ कि मेरी थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन हो गई है, मेरे 6 महीने साल जो है वो निकल जाएंगे जब तक नई स्किल नहीं आती। देन कंप्लायंस ऑफ लेबर लॉस, वही लेबर लॉस जिसको हम आज डिस्कस करने के लिए बैठे हैं, सबको पता है कि लेबर लॉस क्या है, असल चीज कंप्लायंस की होती है, और कंप्लायंस की लिबर्टी आपको कौन देता है, आपका इदारा देता है। वायलेशन करने के लिए हमें से कोई तैयार नहीं होता, हमें किसी ना किसी एंगल से, हाँ कोई अल्फाज की सूरत में पैगाम भिजवा दे, इशारे कनाए में पैगाम भिजवा दे, या हमें किसी ना किसी तरीके से मैसेज कन्वे कर दिया जाए कि यार देख लें इसको, सीनियर ने यही कहना होता है कि जरा देख लें इसको, और वर्कर क्लास का जो है ना वो बस ना ही पूछे। दिस इज द डिमांड ऑफ द वर्कर्स कंप्लायंस। नाउ कम टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट, थर्ड प्लेयर, ये जिस एनवायरमेंट में हम रहते हैं हम जरा थोड़ा सा उसको कैप्चर कर रहे हैं कि हमें हमारे दाएं बाएं हो क्या रहा है, हम कहाँ पे स्टे कर रहे हैं, हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, और हमने एक्चुअली उसमें से कैसे अपना रास्ता निकालना है। व्हाट डज द गवर्नमेंट वांट, गवर्नमेंट वांट्स एनहांस प्रोडक्शन, नए कारखाने लगे, जो कारखाने सिख यूनिट है उनकी सेहत को ठीक किया जाए, जो ऑलरेडी ठीक काम कर रहे हैं उनकी प्रोडक्शन के साइज को बेहतर किया जाए। तो गवर्नमेंट नीड्स जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मस्ट बी एनहांस्ड, जब प्रोडक्शन बढ़ेगी लोकली कंज्यूम भी होगी, एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो फॉरेक्स आएगा तो इकोनॉमी बेहतर होगी, नई सड़कें बनेंगी, नए कारखाने लगेंगे, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बला बला। इंक्रीज इन टैक्स नेट, कोई तो बात मुस्तफा साहब कह के गए हैं लीजेंड्स के हवाले से, जरा गौर कीजिएगा, सैलरी क्लास इज द ओनली क्लास, मैं और आप लोग, पहले टैक्स कटता है फिर सैलरी मिलती है। क्या बिजनेस में ऐसा होता है, जो बाहर लिबर्टी मार्केट है, बरकत मार्केट है, बड़े बड़े स्टोर्स हैं, ये वो, तो क्या वो टैक्स पे करते हैं? मेरा नहीं ख्याल, उनको एक सिंपल सा परफॉर्मा फिल करने के लिए कह दिया जाए ना, कुछ ट्राई करने के आते हैं। द वर्कर क्लास, एग्जीक्यूटिव क्लास, ऑफिस क्लास इज द ओनली क्लास जो सैलरी लेने से पहले टैक्स पे करती है। गवर्नमेंट का टारगेट हमेशा ये होता है कि टैक्स नेट को बढ़ाया जाए, एनहांस किया जाए, मोर रेवेन्यू जनरेशन, फिर गवर्नमेंट छोटे छोटे टैक्स इसके अलावा भी लगाती है, सिर्फ इनकम टैक्स ही तो नहीं है जो गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम है। मुझे याद है पुरानी बात है, इस वक्त राधी का नया पुल बना, उस वक्त उस पर 4 आने टैक्स लगाया गया, उस पर टोटल कॉस्ट शायद 2 करोड़ रुपए आ रही थी, जनरल मूसा खान ने इसका इतफाक किया था जो शाहरा से बत्ती चौक की तरफ आता, और उसके पीछे जो
कहानी बनाई गई थी जो अप्रूवल दी गई थी टैक्स लगाने की, वो ये थी कि इसकी टोटल कॉस्ट जो है वो कुछ 2 करोड़ रुपये आई है, तो जब 2 करोड़ पूरा हो जाएगा तो हम ये कर तो लोगों के लिए ओपन कर देंगे। 1970 की बात है, 48 साल हो गए अब उसका जो ठेका है, जब अब तो थोड़ा आगे चला गया, लेकिन जब उसका ठेका था तो वो 8-10 करोड़ रुपए साल का जाता हो, हर साल जाता हो, यानी वो जो पुल है उससे कितने हंड्रेड ब्रिजेस की कॉस्ट जो है वो पूरी कर ली गई है। दिस इज ओनली वन सॉर्ट ऑफ टैक्स। मोबाइल फोन का कार्ड चार्ज कराएं, क्या मिलता है और आप क्या देते हैं टैक्स है। होटल में खाना खाने के लिए जाएं, एक्चुअल फूड की कॉस्ट कुछ और है, 18-20% टैक्स देना पड़ता है। तो गवर्नमेंट की बेशुमार सोर्स ऑफ इनकम है, और कोशिश क्या है गवर्नमेंट की कि मोर रेवेन्यू जनरेशन, और रेवेन्यू आए ताकि वो अपने एक्सपेंसेस पूरे कर सके। एलिमिनेशन ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, मेल और फीमेल, फीमेल को काम करने के चांसेस बहुत कम मिलते हैं, तो गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि उनको ज्यादा चांसेस दिए जाए। एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर एंड बॉन्डेड लेबर, चाइल्ड लेबर तो आप वाकई होंगे सारे, बट इज बॉन्डेड लेबर ये क्या होगा, व्हाट इज बॉन्डेड लेबर? बाउंड नहीं है, बॉन्डेड, बाउंड ऑल होता है, बॉन्डेड ऑल, देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस, बिल्कुल उसके उसके करीब करीब है, उसके करीब करीब आप अनलिमिटेड टाइम के लिए इसकी को मुझे ना वो बताएं, दे मुझे कोई प्रैक्टिकल शेप दे, ब्रेक लेन जो इंडो वाले भट्टे हैं वहाँ पे, वो मजदूर नहीं होते, वो पूरी पूरी फैमिली वहाँ पे बैठी हुई होती है उसे बनाने के लिए। ये प्रेजेंट लेबर, ये लेबर जो है, जो लेबर है ये एक जगह से, एक जगह से लेबर का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है एक फैमिली के साथ कि आपके बच्चे जो है ये हमारे पास ही रहेंगे और उठा के उनको लेकर उनसे जो भी करवाएं वो बाउंड है वो साल के लिए, कि जो भी है उनके साथ ये सर्विसेज लेनी है उनसे जिस तरह की मर्जी सर्विसेज लें, वालदैन को कोई 15-20 हज़ार ही हमारे साल के साइड के ऊपर जो सारा ये हो रहा होता है, तो ये बेसिकली उसकी रीजन ये है। तो मैम कह रही हैं आपकी बात में ठीक है, द रीजन इज कि वहाँ पे 8 घंटे काम करने के पैसे नहीं दिए जा रहे, वहाँ पे है कि आपने कितने ईंटें बनाई हैं, कितनी ब्रिक्स आपने बनाई हैं, तो पर 1000 ब्रिक्स का रेट फिक्स होता है। अगर आपने 1000 ईंटें बना ली हैं तो आपको 600-700 रुपया वट एवर द रेट इज अवेलेबल, वो जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ होता है तो उसके करीब भी। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, ये गुलामी, मतलब ये वो अनवांटेड किस्म की प्रैक्टिसेस हैं, और गवर्नमेंट ने पिछले दिनों इस पर काफी ज्यादा काम भी किया है। तो ये सारी की सारी चीजें वापस आती है, बैक बैक वापस उसी पे जी। ये था आईएलओ, दिस इज अ फोर्थ प्लेयर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1919 में ये मादे वजूद में आई थी। पूरी दुनिया में लेबर की अफेयर्स को आईएलओ के जरिए मॉनिटर किया जाता है। इसके भी कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, इंप्रूव लेबर कंडीशन वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग चाइल्ड लेबर, डिस्कस कर चुके हैं, एलिमिनेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिनिमम वेजेस, और रिहैबिलिटेशन ऑफ डिसेबल्ड वर्कर्स। इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, बाकी चीजें तो हमने देख ली हैं। आजकल कितना कोटा है, व्हाट इज कोटा ऑफ डिसेबल्ड वर्कर्स इन पाकिस्तान? 2%। व्हाट एल्स, और भी हो सकता है कोई, कितना ही है? लेबर लॉ में लिखा हुआ है, हम शायद इसको इंप्लीमेंट भी कर लेते होंगे कहीं ना कहीं से। पहले 2% था, नाउ दिस इज 3%, और सिंध में इट हैज बीन अनाउंस्ड 5%, लेकिन देयर इज नो फॉर्मल नोटिफिकेशन सो फार। तो एक पॉलिटिकल अनाउंसमेंट थी 5% की डिसेबल्ड के हवाले से, एनीवे इस वक्त हम इसको 3% ही कह सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास यू हैव 100 एम्प्लॉइज, यू विल हैव 2.3 डिसेबल्ड पर्सन। इन केस यू आर अनएबल, यू आर फेल्ड टू अपॉइंट डिसेबल्ड पर्सन, व्हाट्स द ऑप्शन अवेलेबल विद यू? गवर्नमेंट को पेमेंट करनी पड़ेगी। आपने बिल्कुल सही कहा है, मिनिमम वेज 15,000 है, 3 लोग आपने रखने हैं, आपने नहीं रखे हैं तो 45,000 हर महीने आप गवर्नमेंट को जमा करवाएंगे, तो इस लॉ की जो है वो कंप्लायंस हो जाएगी। पाकिस्तान हैज रेटिफाइड 36 आईएलओ कन्वेंशंस सो फार आउट ऑफ 72। टोटल जो आईएलओ की कन्वेंशन है वो 72 के करीब है,
और पाकिस्तान का जो लेबर लॉ है वो 36 कन्वेंशन को हमने रेटिफाई किया हुआ है उनके विरुद्ध उनका। ये सारी की सारी जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, हमने चार प्लेयर देख लिए, चार करेक्टर देख लिए, उनकी एक्टिविटीज देख ली, उनके गोल्स देख लिए, इनका जो कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव है दैट इज मेंटेनेंस ऑफ इंडस्ट्रियल पीस, सनती अमन को हमने मेंटेन करना है, और अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो ये होगा जो हो रहा है। जस्ट लुक एट इन केस ऑफ नो इंडस्ट्रियल पीस, इन बेचारों की क्या डिमांड है, उजरत में इजाफा, इसका मतलब है ये कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने मिनिमम वेज इंप्लीमेंट नहीं की, उनका बेसिक राइट है कर लें, सोशल सिक्योरिटी कार्ड नहीं बने हुए, दे दे अगर आप कंट्रीब्यूशन दे कर रहे हैं। मैंने बेशुमार ऑर्गेनाइजेशन देखी है कंट्रीब्यूशन पे कर रही होती है, कार्ड नहीं बनाते देते अपने एम्प्लॉइज, आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड, क्योंकि कार्ड बन जाएगा लोग शायद यूनियन बनाने की तरफ चले जाएंगे, वो तो फिर भी बन सकती है। तो दिस इज नॉट अ वे कि आप लोगों के सोशल सिक्योरिटी कार्ड सिर्फ इस वजह से और ईओबीआई के कार्ड सिर्फ इस वजह से बना के ना दें कि कहीं वो यूनियन ना बना दें, उसके और बहुत सारे तरीके हैं रोकने के लिए और बनाने के लिए। जी डाला फूड में यूनियन को तस्लीम करो, अगेन अगेन दिस इज यू सी डेथ ऑफ इंडस्ट्रियल पीस, नहीं है इंडस्ट्रियल पीस। जब ये लोग हड़ताल कर रहे होंगे आप सोच सकते हैं कि इनकी फैक्ट्री में रॉ मटेरियल भी पूरा है, इलेक्ट्रिसिटी भी आ रही है, सारी की सारी चीजें पूरी हैं, मशीनें भी ठीक काम कर रही हैं, जिन लोगों ने काम करना है वो सड़कों पे आएगा, और सड़कों पे आने की वजह क्या है कि आपने उनकी यूनियन को नहीं माना, उनको सोशल सिक्योरिटी कार्ड नहीं बना के दिए, लॉस किसका हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का लॉस हो रहा है, और इनका लॉन्ग रन देखें तो गवर्नमेंट का लॉस हो रहा है। जी ऑर्गेनाइजेशन हमने चार प्लेयर देख लिए, इंडस्ट्री पीस को डिस्कस कर लिया, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नॉर्मली यही चार जो हम पैरामीटर देख रहे हैं, चार ही कैटेगरीज पाई जाती होती है मैनेजमेंट की, टॉप मैनेजमेंट है, मिडिल मैनेजमेंट है, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं, नॉन मैनेजमेंट वर्कर्स हैं। टॉप मैनेजमेंट में चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जीएम, सीनियर मैनेजर, डीजीएम, ये वाला टॉप मैनेजमेंट में आ जाते हैं। नेक्स्ट में मिडिल मैनेजमेंट है, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं और नॉन मैनेजमेंट एम्प्लॉइज हैं। तो जो हमारा फोकस है, जो हम आज हमारी सारा दिन बहस गुफ्तगू चलेगी, वो सिर्फ नॉन मैनेजमेंट एम्प्लॉइज यानी वर्कर्स के बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। ये जो लेबर लॉ है ये वर्कर्स को डील करता है, लेबर लॉ ने कहीं नहीं कहा कि मैंने फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के बारे में कुछ बताना है या मिडिल मैनेजमेंट के बारे में या टॉप मैनेजमेंट के बारे में, नो, लेबर लॉ ओनली डील्स अबाउट नॉन मैनेजमेंट एम्प्लॉइज। इसमें कौन लोग शामिल होते हैं, अनस्किल्ड वर्कर्स, जो बंदा आज घर से पहले दिन आ गया उसको दुनिया के किसी काम का नहीं पता, शायद वो प्रॉपरली हेल्पर के लिए भी सूटेबल नहीं है, तो अनस्किल्ड वर्कर, जब उसको कोई दो साल हो जाते हैं काम सीखते सीखते, ही बिकम्स सेमी स्किल्ड वर्कर, देन स्किल्ड वर्कर, सीनियर स्किल्ड वर्कर एंड सुपरवाइजर। तो हमारा जो टारगेट है, हमारा जो फोकस है, हमने इन्हीं लोगों को डिस्कस करना है, एंड आईआर मैनेजमेंट डील्स विद द नॉन मैनेजमेंट एम्प्लॉइज। क्या फंक्शन होते हैं आईआर मैनेजमेंट के, टू इंश्योर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ मिनिमम स्टैंडर्ड्स एज प्रोवाइडेड इन द लेबर लॉ और बाय आईएलओ, यानी लेबर लॉ की जो इंप्लीमेंटेशन है, हमने यहां पे लॉ के लिए स्टैंडर्ड्स का लफ्ज इस्तेमाल किया है, बात एक ही है। तो आईआर मैनेजर का या आईआर डिपार्टमेंट का जो सबसे बड़ा काम है वो लॉ की इंप्लीमेंटेशन। अगर आपके पास सीबीए है, पिछली साइड क्वेश्चन था मेरा, प्रीवियसली जिसमें आपने नॉन स्किल्ड की बात अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड, अब पिछले कुछ सालों से उसमें कैटेगरीज ऐड हुई हैं, जैसे मिनिस्ट्रियल ऐड हुई है, मिसलेनियस हुई है, उसकी मिनिस्ट्रियल कहा जाता है क्लरिकल जॉब। मैंने अगर ये बात की थी नॉन मैनेजमेंट की, मैं आपको थोड़ा सिंपलीफाई कर देता हूं, इनको हम कह सकते हैं दे आर ब्लू कॉलर वर्कर्स। अगर मिनिस्ट्रियल की बात करेंगे तो उनको येलो कॉलर वर्कर कहेंगे। ये वो लोग होते हैं जो टाइम ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में क्लरिकल जॉब कर रहे होते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं, जो आपके टेलीफोन ऑपरेटर्स हैं, यानी वो मैनेजमेंट साइड पे नहीं आते और वो टेक्निकल डिपार्टमेंट में अपने हाथ से काम नहीं कर रहे होते, लेकिन वो क्लरिकल जॉब होते, तो लॉ में उनको मिनिस्ट्रियल कहा जा सकता है, ये उसकी डेफिनेशन। जी तो सीबीए चार्टर ऑफ डिमांड, सीओडी, इसको हमने बड़ी डिटेल के साथ अभी आज के एजेंडे में डिस्कस करना है। देन लेबर मैनेजमेंट रिलेशन इन डे टू डे बिजनेस, सारा दिन
लेबर के इश्यूज आ रहे होते हैं, अगर आपके पास सिस्टम डेवलप्ड है, पॉलिसीज बनी हुई है, लोगों को पता है, आपने ना सिर्फ पॉलिसीज बनाई है बल्कि आपने उनको अनाउंस भी कर दिया है, छुपा के नहीं रखा हुआ, तो इसका मतलब ये लोगों को पता है उनके राइट्स क्या हैं, बात करते देते हैं। Then disciplinary actions, grievances handling, show cause notice, inquiry, warnings and terminations. This is again business of IR management. Dealing with labor contractors. अगर आपने contractor रखे हुए हैं, आजकल वैसे contractor के बगैर, अच्छा contractor के बारे में थोड़ा सा अभी discuss कर लेते हैं। Supreme Court का decision आ चुका है इसके ऊपर 2016 में आया। उसमें लफ्ज इस्तेमाल हुआ है principal employer का। Contractor आप एक छोड़ के 10 बजे जिम्मेदारी आपकी ही रहेगी, यू आर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। तो वो जो बेनिफिट हम कभी किसी कॉन्ट्रैक्टर को रख के लिया करते थे, तो खुल के बात कर लेते हैं, जो हमारे वर्कर्स थे उनके राइट्स उनको ना देके या ना देने के लिए हम रखा करते थे, वो चीज अब खत्म हो गई है। तो यू आर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, आपकी जिम्मेदारी है उनके टैक्स भी पे करना, उनकी सोशल सिक्योरिटी पे करना, अगर बना खासा किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी जो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस है, अब आपके पास कोई फिल्टर वगैरह। और एक डिसीजन अभी थोड़े दिन पहले आया है, पीएसओ सुप्रीम कोर्ट में था, तो उसकी यूनियन ने किया होगा, वो भी डिस्कस करते हैं। डीलिंग विद एक्सटर्नल एजेंसीज, इंटरनल लोग तो आपके पास आते रहते हैं, आपके सुपरवाइजर वर्कर्स प्रोडक्शन के लोग, तो आईआर के पास जो एक्सटर्नल एजेंसीज हैं वो भी लेबर डिपार्टमेंट वाला भी आएगा, सोशल सिक्योरिटी वाला भी आएगा, यूबी वाला भी आएगा, और जो आपके पास वो हेल्थ डिपार्टमेंट वाले टीके लगाने वाले आते हैं, इनोकुलेशन वाले, वो भी आपके पास आएंगे। दिस इज अगेन आईआर बिजनेस। टाइम ऑफिस फंक्शन नॉर्मली एडमिन आईआर किसी के पास ही होता है, वो भी डील करना होता है। और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, अगर आपका टाइम ऑफिस एफिशिएंटली काम कर रहा है तो एडमिन मैनेजर या एचआर मैनेजर की लाइफ थोड़ी सी इजी होती है। सबसे ज्यादा करप्शन यहीं पे पाई जाती है, सबसे ज्यादा इनएफिशिएंसी यहीं पे होती है, इसको बड़ा केयरफुली, क्योंकि इन्हीं के डेटा जो प्रोवाइड करते हैं उसी की बेस पे सैलरी बनती है, इसका फाइनेंशियल इंपैक्ट होता है। So that's why it should be taken very seriously. Maintenance of leave record, personal file, अगर HR के पास नहीं है तो IR के पास होती होगी। और फिर खुदाना खास्ता अगर किसी ने आपके खिलाफ केस कर दिया है तो वकील साहब को सोए हुए को जगाना कि कल हमारी तारीख है, उसको नहीं पता होता, वकील साहब अक्सर सो रहे होते हैं, उनको आपने बताना है, फिर वो कहेंगे कि अच्छा ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, अच्छा नहीं अवेलेबल, चले कल तारीख ले लेते हैं। तो आपकी एफिशिएंसी ये है कि उनको बजाय कल जगाने के एक हफ्ता पहले जगाना, उनको पूछे नहीं आपको क्या चाहिए, तो जो डॉक्यूमेंट कहे उनको ऑन टाइम प्रोवाइड करें ताकि आपका केस थोड़ा सा आगे चले। नॉन मैनेजमेंट एम्प्लॉइज यूनियन के जरिए इंटरेक्ट करते हैं, अगर यूनियन नहीं है, जरूरी नहीं है कि यूनियन हो, तो फिर वो प्रेशर ग्रुप्स हो जाते हैं, लोग आपके पास आते हैं आप अपने इश्यूज लेके। एम्प्लॉयर, इफ यू आर मैनेजमेंट यू आर एम्प्लॉयर, तो आप इश्यूज सेटल करने के लिए मुख्तलिफ कमेटीज बना देते हैं, मुमकिन है आपकी एक कमेटी ऐसी हो जो कैंटीन के मामला को देखती है मैनेजमेंट साइड, एक कमेटी ऐसी हो जो इंक्रीमेंट प्रमोशन को, किसी जमाने में था उसमें कमेटीज बननी भी होती थी, तो मैनेजमेंट का यही स्टाइल है। गवर्नमेंट लेबर बोर्ड ऑफ पाकिस्तान उसके जरिए इंटरेक्ट करती है, और जो आई एल ओ है वो गवर्नमेंट के थ्रू है। तो ये हमने चार प्लेयर्स देख लिए हैं, उनके फंक्शंस देख लिए हैं, उनकी जो ख्वाहिशात हैं, उनके जो गोल्स हैं वो देख लिए हैं। इम्पॉर्टेंट लेबर लॉज जिनका हमें ऑलमोस्ट डेली ही किसी ना किसी एंगल से वास्ता पड़ता है, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 आज के एजेंडे में शामिल है, फैक्ट्रीज एक्ट 1934 ये भी हम देखेंगे, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, मिनिमम वेज ऑर्डिनेंस है, अप्रेंटिसशिप है, सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल कमर्शियल स्टैंडिंग ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनीज प्रॉफिट आजकल इस पर बड़ा हंगामा बरपा है, कंपनीज प्रॉफिट पे डब्ल्यूबीपीएफ पे ऑर्गेनाइजेशन परेशान है कि हम क्या करें, हम कहाँ पे स्टे कर रहे हैं, शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट है, ओल्ड एज बेनिफिट है, पीरा यूनियंस के साथ हाउ टू डील, आपका रोल क्या है, मैनेजमेंट का रोल क्या है, यूनियन का रोल क्या है, अभी हम देखेंगे। और लास्ट वन इज द लॉ अगेंस्ट हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, ये लॉ 2010 में बना था और इस पर आजकल बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, और ये हर ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे खवातीन काम करती हैं उसका ये बहुत बड़ा इशू है। तो ये सारे का सारा हमारा आज का एजेंडा, अभी हमने जो डिस्कस किया दिस इज सिंपली आर गपशप, हमने सिर्फ थोड़ा सा देखा है, बैकग्राउंड देखी है, कुछ हमने किरदारों को देखा है कि कहाँ कहाँ पे क्या कुछ हो रहा है, चाय पीते हैं बाकी उसके बाद देखते हैं।